हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। गाइस आज बात करेंगे बाइक की सेफ्टी की। तो गाइस लाखों या हज़ारों खर्च करने के बाद हम एक बाइक को परचेस करते हैं और अगर हम उसकी सेफ्टी नहीं देखते हो तो काफ़ी जल्दी वो जो है ओल्ड दिखने लगती है। तो सेफ्टी में सबसे पहले आता है बाइक का कवर, क्योंकि धूप से बचाने के लिए या फिर बारिश से बचाने के लिए सबसे पहले जो आता है वो बाइक का कवर आता है। तो ये मेरे पास है बाइक ब्लेजर, तो इसकी पहले मैं छोटी सी आपको अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। तो गाइस ये वो वाला कवर नहीं है जो आपको मार्केट में सस्ते में मिलता है, ये यूनिक है, एक अलग से इसका जो कंसेप्ट है ये मैं आपको पहले अनबॉक्स करके बताता हूँ। तो इसी के साथ ही आपको जो है चार डिफरेंट टाइप के जो कलर है उनका ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहें तो किसी भी कलर को जो है चूज़ कर सकते हैं। और गाइस इसका जो प्राइस है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, और प्राइस का काफ़ी मेरे को जेन्युइन लग रहा है। और गाइस ये यूनिवर्सल साइज़ में आता है, मतलब आप किसी भी बाइक में इसको जो है लगा सकते हैं। और साथ ही में गाइस इसके साथ ही आपको जो है 3 मंथ की जो है रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है, अगर कुछ भी 3 मंथ में इसको हो जाता है तो आपको जो है रिप्लेस होकर ये मिलेगा। तो गाइस सबसे मेरे को अच्छी इसकी ये बात लगी कि ये मेड इन इंडिया है, मतलब अपने इंडिया का ये ब्रांड है, तो ये मेरे को सबसे अच्छी इसकी बात लगी है। तो गाइस आप देखते हैं यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको बता दूंगा। और गाइस यहाँ पर आपको जो है एक छोटा सा ऐसे वारंटी कार्ड मिलता है, इसके साथ 3 मंथ की जो इसकी जो वारंटी आती है। तो गाइस इसको इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल है बाइक में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चेक नट है, और गाइस साथ ही में आप देखोगे इसके साथ एक वॉशर वाला एक 8 नंबर का एक और नट आपको मिलता है। तो गाइस इसको मैं जल्दी से खोल लेता हूँ, और आप देख सकते हैं ये इसकी स्ट्रिप है, तो ये अभी मैं आपको जो है इंस्टॉल करके बताता हूँ बाइक में। तो गाइस इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल है इसकी, आपको एक ग्रिल दिख रही है, ये हर बाइक में होती है और ये यहाँ पर इंस्टॉल होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर इसको लगा के और दूसरी साइड से इसकी जो स्ट्रिप है उसको यहाँ पर मैं ऐसे लगा देता हूँ, उसके बाद इसका जो 8 नंबर वाला नट और ये वॉशर है उसको मैं डाल के अच्छे से इसको टाइट कर लेता हूँ। और इसको टाइट करने के बाद मैं यहाँ पर जो इसका चेक नेट दिया गया है उसको अच्छे से टाइट कर देता हूँ, ताकि कोई इसको जो है चुरा ना पाए। तो गाइस आप देख सकते हैं अब ये अच्छे से टाइट हो गया है। तो गाइस इसको लगाना काफ़ी सिंपल है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कवर बीच में है इसके, तो आप इसको जो है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पर आपको इसका एक पार्ट मिल जाएगा, और इसको पकड़ के आप जो है धीरे धीरे खींच लीजिएगा। और गाइस ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूम नहीं करता, 10 सेकेंड में आप अपनी बाइक का कवर लगा सकते हैं और हटा सकते हैं, ये मैं आपको करके बताता हूँ, और आप टाइम जहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको बाइक ब्लेजर की ब्रांडिंग मिल जाती है, और ये जो है मिरर के लिए, तो मिरर मैंने अभी जो हटा दिए थे जो पहले लगाए थे, एक्चुअली मैं यहाँ पर और कुछ लगाने की सोच रहा था, तो ये मिरर के लिए है। तो भाई यहाँ पर जो फैब्रिक यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और ये वाटरप्रूफ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पानी डाल रहा हूँ, और पानी डालने के बाद मैं आपको सीट की कंडीशन दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर सीट नीचे से जो है वो बिल्कुल सूखी है, तो ये एकदम पूरा जो है वाटरप्रूफ है, तो आपकी गाड़ी चाहे ये पानी में खड़ी रहे चाहे धूप में खड़ी रहे आपको जो है कोई भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये जो है हीट रेजिस्टेंट भी है, मतलब हीट को ये कम आपकी बाइक के अंदर जाने देता है। तो जैसे आपकी बाइक जो गर्म हो जाती है अगर आप धूप में खड़ा करते हो, तो आप अगर बाइक को जो है कवर करके रखोगे तो आपको जो है आपकी बाइक उतनी गर्म हुई नहीं मिलेगी। तो क्योंकि जितना आसान इसको लगाना है उतना ही आसान इसको जो हटाना भी है, आपको सिंपली जो कवर को ऐसे ऊपर से हटा देना है, उसके बाद आपको जैसे एक जो है आपके हाथ में इसको कवर को लेके ऐसे थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करके रखना है, और धीरे धीरे इसको ऐसे जो घुमा के ये अंदर चला जाएगा आसानी से। तो वैसे अभी आपके माइंड में एक बात होगी कि अगर इसका फैब्रिक है जो ख़राब हो जाएगा तो ये बेकार हो जाएगा, तो वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इसका जो फैब्रिक है वैसे तो अच्छी क्वालिटी का है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर इसका जो फैब्रिक है 2-2.5 साल के बाद अगर ख़राब हो जाता है, क्योंकि धूप में या फिर अगर बारिश में बाइक खड़ी रहती है तो इसका फैब्रिक के ऊपर असर तो पड़ेगा। तो ये जो आपको फैब्रिक है ये अलग से आपको मिल जाएगा, तो आप इसको जो है रीफिल कर सकते हो इसी डिब्बी में फिर से। और गाइस सेमी ऑटोमेटिक कवर को आपको कभी भी फेंकने की नौबत नहीं आएगी। तो गाइस इसकी खास बात यह है कि ये यूनिक है, ये अलग है। मैं अभी जो है इसको लगा के अपनी शॉप पे गया था, तो मेरे से जो है 4-5 बंदों ने पूछ लिया कि ये क्या चीज़ है, तो ये यूनिक चीज़ है, अगर आप भी अपनी बाइक में इसको लगाओगे तो काफ़ी ये यूनिक लगने वाला है।
तो गाइस ऐसा कवर आपको और कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा। तो गाइस अभी बात करते हैं इसके प्राइस की, तो गाइस प्राइस का जो है 850-900 में ये आपको मिल जाएगा। तो कलर ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर जो है अलग अलग इसका प्राइस हो सकता है। तो गाइस इसका जो प्राइस है 850 या फिर 900 में ये आपको मिल जाएगा। तो ये आप जो है अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर इनकी खुद की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पर मैं एक डिस्काउंट कोड दे दूंगा, अगर आप उसको डालोगे तो आपको और भी जो एडिशनल डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।